जाना चाहूँगा तीन, जैसे कि तीन फिल्मों का यहाँ पे म्यूजिक लॉन्च, तो सर क्या कहना चाहेंगे? बस फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग पहली बार आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छी तरह और फिल्म इंडस्ट्री के में आगे बढ़े। छोटे लोगों का जो फिल्म नहीं हो रही है उसके लिए हम लोग जो नए आर्टिस्ट, छोटे आर्टिस्ट को लेके उनको भी बड़ा बनाने की हमारी एक कोशिश है। अगले महीने में नवंबर में अभी प्लानिंग में जा रही है कि भाई नवंबर में रिलीज करेंगे दिवाली के बाद। और आप लोग सब आए उसके लिए सबको थैंक यू। मीडिया ने हमारे लोग को जो इतना, मतलब छोटे प्रमोशन में भी आप लोग आके हम लोग को जो इतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, लेवल बढ़ाया, उसके लिए आप लोगों को मैं आपने ये थैंक यू बोल। कुछ नहीं, सब भगवान की दुआ है, डैडी ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया और मेरे को सबने सपोर्ट किया। मेरी टीम आज इतनी अच्छी थी तो उसके बलबूते पर आज इतनी पूरी तीन पिक्चर खड़ी है। मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और एक पिक्चर मैंने डायरेक्ट की है। मैं बस ये तीनों फिल्मों के जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब हैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि मेरा भी फिल्मी करियर काफ़ी लंबा रहा, मगर बहुत कम सुनना और देखने में ये पहली मर्तबा मैंने देखा कि एक ही समय में नए प्रोड्यूसर ने एक साथ तीन फिल्में बनाई हो और उसे रिलीज करने का जिगरा रखता हो। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस बैनर को और इस पूरे ग्रुप को, पूरे यूनिट को, जिस हौसले से, जिस हिम्मत से इन्होंने तीन पिक्चरें बनाई। और मुझे उम्मीद है कि देखिए, जब शुरुआत करते हैं तो पिक्चर एंड नहीं होती है अमूमन, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया। बट मैंने ये देखा कि पहले बैनर है, पहला प्रोडक्शन हाउस है जिसने एक नहीं बल्कि तीन फिल्में शुरू करके कंप्लीट की। बहुत अच्छी मेकिंग हुई, नए लड़के लड़कियों को लेके इतनी बड़ी हिम्मत करना, ये बहुत बड़ा जिगरा है उनका। और अगर इसी तरीके से हमारे इंडस्ट्री में अच्छे प्रोड्यूसर, नए प्रोड्यूसर आए और नए लड़के लड़कियों को मौका मिले तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ उनको। पहली बात तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने गुरुजी को कि जो आए यहाँ पे और इस इवेंट का मान सम्मान बढ़ाया। सिवाय एक्टिंग एकेडमी एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ और ये कंपनी ने ही पूरा इवेंट्स और सबका ऑर्गेनाइज़ किया है और ये तीनों पिक्चर का वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कर रही है और इसे रिलीज़ करेगी पूरे हिंदुस्तान में मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर में। और आप मीडिया से मेरा निवेदन है कि आप ही के जरिए पिक्चर सुपर डुपर हिट होती है और आप लोग देखें कि ट्रेलर कितना अच्छा था, गाना कितना अच्छा था, तो आप लोग अच्छे व्यूज़ के साथ इसको दिखाएंगे और इसके बारे में आप अच्छा बोलोगे ताकि ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हो और हमारे इस इंडस्ट्री में नए प्रोड्यूसर को आने का मौका मिले, जो एक प्रेरणा जाए लोगों को, क्योंकि नए प्रोड्यूसर भी यहाँ पर सक्सेस होते हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर सर हैं जो कि तीन नहीं, इनकी चौथी पिक्चर भी पोस्ट प्रोडक्शन में है जो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी है और वो काफ़ी बड़ी फिल्म है और इन्हीं 10 दिनों में उसका भी अनाउंस हो जाएगा और इसी जोर शोर के साथ उनका अनाउंस होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए, शुक्रिया। हाँ जी, सबसे पहले तो आपके किरदार के बारे में बताइए और कौन सी फिल्म नज़र आने वाली है। आज यहाँ पे मतलब जिसका पोस्टर लॉन्च हुआ है, जिसका पोस्टर लॉन्च हुआ है एंड ट्रेलर लॉन्च भी हो चुका है, तो उसमें से दो फिल्म्स में मैं लीड कर रहा हूँ। एक है गेम स्टार्ट एंड सेकंड इज झुमका गिरा, तो उसमें दोनों में मैं लीड कर रहा हूँ। अभी गेम स्टार्ट इट इज़ वेरी एक्साइटिंग फिल्म एंड सस्पेंस है बेसिकली। तो मेरा जो कैरेक्टर है, मतलब मैं उसको एकदम खुले खुले बोल नहीं सकता बिकॉज फिर वो सस्पेंस जो है चला जाएगा। बट देर इज़ अ लॉट ऑफ रोमांस, मैं रोमांस के एंगल में भी आपको दिखूंगा एंड देन देर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो वो किस तरह से वो किरदार जो हैं हर मोमेंट पे चेंज होते हैं और पूरा जो स्क्रिप्ट है, मतलब एक जो ऑडियंस है उसको पता नहीं चलता कि वॉट इज़ गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। सो वेरी एक्साइटिंग फिल्म। सर ये नवंबर में होगी, डेट्स आपको पता चल जाएंगे।
सबसे पहले तो मैं मेरे भाई हरीश जायसवाल जो इसके प्यारों हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तीन तीन फिल्में एक दिन में तीन तीन फिल्में बॉलीवुड में म्यूज़िक लॉन्च होना और प्रोमो लॉन्च होना बहुत बड़ी बात है नए कलाकारों के लिए और नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर सभी के लिए, आप सब के लिए। क्योंकि क्या होता है, एक फिल्म अगर रिलीज़ होती है, एक फिल्म अगर बन के तैयार होती है और रिलीज़ होती है तो उसमें हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी चलती है। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत बड़ी बात है ये कि तीन तीन फिल्में एक दिन में रिलीज़ किया और आगे भी रिलीज़ करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं थोड़ी सी दो बातें इन फिल्मों से लेके अलग करना चाहता हूँ जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चल रहा है, तो मैं दो बात कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आज हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, सब इतने प्रेम से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन एक संगठन है ISI और एक पाकिस्तान के कुछ लोग, कुछ अवाम जो आके चार लोगों को मारते हैं और फिर दंगेबाजी करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान का और पूरे वर्ल्ड के मुस्लिमों का नाम ख़राब होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा, ये मेरी न्यूज़ जहाँ तक भी जाए, जहाँ तक लोग देखें कि आपस में भाईचारा बना के रहें, और हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे जो भी हो, चाहे जो भी देश, तो वो देश के लोग सभी अच्छे से रहें और अमन चैन रखें, और हिंदुस्तान में क्या, सारे जहाँ में अमन चैन रखें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये हरामखोर जो कुत्ते हिंदुस्तान में आके चार लोगों को मार के फिर भाग जाते हैं, चार लोगों को मार के फिर भाग जाते हैं, इससे हिंदुस्तानी लोगों का बहुत दिल दुखता है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी बहुत दिल दुखता है, क्योंकि जो भाईचारे से रहते हैं वो भाईचारा ख़त्म हो जाता है और आपस में एक दूसरे को शक्की नज़र से देखने लगते हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, इसी तरह से हमारे हिंदुस्तानी लोग काम करते रहें, आपस में भाईचारे से काम करते रहें, फिल्में बनती रहें, फिल्में रिलीज़ होते रहें, पूरे वर्ल्ड को फिल्में बना दिखाते रहें हम लोग। और बस यही शुभकामनाएं आप सबसे, और मेरी आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। होप फॉर अ वेरी वेरी विश अ वेरी गुड लक फॉर फ्यूचर, और आई होप ये मूवी बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, और म्यूजिक तो कमाल है, म्यूजिक रियली कमाल है। तो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ योर्स यू वांट टू शेयर विद अस? माय अपकमिंग प्रोजेक्ट, इट्स अ चंद्रकांता पार्ट 2, मैंने पार्ट फर्स्ट किया था, अभी वी आर गोइंग, बट इट्स अ तेलुगु प्रोजेक्ट, बॉलीवुड से कंसर्न नहीं है, साउथ का प्रोजेक्ट है, चंद्रकांता पार्ट 2। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे कौन सी फिल्म, तीन फिल्मों का लॉन्च तो हो रहा है यार, कम बिटवीन, आ जाओ सेंटर, हाँ ये हमारी फेवरेट प्रोड्यूसर है जिन्होंने हमारा बहुत तहे दिल से ख्याल रखा है। फिल्म के बारे में बता रहे थे आप, किस तरह का किरदार होने वाला है, और तीन फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो चुका है, क्या विश करना चाहेंगे? जी विश तो मैं तीनों फिल्मों के लिए ऑल द बेस्ट ही कहना चाहूँगी, वैसे पॉजिटिव हूँ मैं काफ़ी तीनों फिल्मों के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट्स है तीनों फिल्मों के, काफ़ी हद तक डिफरेंट है, यू नो, ऐसा आई वोंट से कि ऐसा मार्केट में नहीं आया, क्योंकि हर फिल्म के बारे में हर आर्टिस्ट वही बोलता है, बट या लाइक मी, आई रियली लव द टॉपिक, आई रियली लव द सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई डिड द फिल्म। फिल्म में मैं स्नेहल का किरदार प्ले कर रही हूँ, ये लड़की शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है, बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, और उसके बाद में वो अपने या मतलब शी फॉल्स इन लव एंड देन शी गेट्स मैरिड टू द सेम गाय, उसके बाद में उनकी जर्नी दिखाई है, दे गो थ्रू अ टफ फेज, हाउ दे यू नो फेस दैट फेज, इट्स ऑल अबाउट दैट। तीनों फिल्म के बारे में या झुमका गिरा के बारे में? तीनों फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो चुका है, तो क्या विश करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये विश करना चाहूँगा कि गाने बहुत ही अच्छे आए और सचमुच मतलब मुझे अच्छे लगे, तो बहुत ही अच्छे रहे गाने, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली सब लोग सुनना पसंद ज़रूर करेंगे। और बेसिकली झुमका गिरा रे वो स्पेशल है, क्योंकि मैं उसमें काम कर चुका हूँ, तो वो ज़्यादा दिल के करीब है, वो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उसका पूरा लॉन्चिंग होता है। थैंक यू सो मच। वेल आप मूवी देखिए और बताइए कैसा है।
एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड सब आर्टिस्ट जैसे कि ये दोनों है विदाउट डूइंग एनी टेंट्रम्स सुपर वर्क थैंक यू सो मच और हाँ इस मूवी के इस तीनों मूवीज़ के जो सॉन्ग्स हैं वो आप ज़रूर सुनना आपको कैसे लगता है आप खुद बताना इस मूवी के सॉन्ग्स के बारे में थैंक यू